हेलो किसान भैया, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले धान की फसल में बायोबीटा का प्रयोग करने का सही समय पीरियड क्या, इसकी सही डोज है और हमें बायोबीटा का प्रयोग क्यों करना चाहिए धान की फसल में, क्या क्या इसकी हानि है, क्या क्या इसके फायदे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा धान की फसल में बायोबीटा की कमी से होने वाले जो नुकसान होता है, अगर हम नहीं प्रयोग करते तो उसकी क्या क्या हानि होती है। किसान में बायोबीटा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी धान की फसल में लोहा, जिंक, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कार्बन और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व, मैग्नीशियम और माइक्रोन्यूट्रॉन्स, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व की कमी रह जाती है, जिस वजह से हमारी धान की फसल में काफ़ी ज़्यादा हानि होती है, उनकी बढ़वार नहीं रुकती है और उनकी जो पैदावार होती है कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो इसके लिए अगर हम धान की फसल में बायोबीटा का प्रयोग करें तो इन सभी कमियों को दूर करेगा। ये हमारी धान की फसल की जो टेलरिंग होगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी, उसमें जो फुटाव होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भाइयों के जो ग्रोथ नहीं रुक जाती धान की फसल में, धान पीला दिखाई देता है और धान की पैदावार कम निकल करके आती है, क्योंकि किसान भाई हम फसल चक्र नहीं अपनाते हैं, जिस वजह से हमारी धान की फसल में अच्छा पैदावार नहीं निकल करके आता है। अगर हम फसल चक्र नहीं अपनाते तो इन खादों की बहुत ही ज़रूरत पड़ जाती है हमारी धान की फसल में, क्योंकि कुछ समय के बाद हमारे किसान भाई जब खाद की डिफिशियंसी हो जाती है और हम खाद की डिफिशियंसी को पूरा नहीं करते हैं दोस्तों, तो हमारी पैदावार, कोई भी आप फसल कर रहे हो उसकी फसल की पैदावार कम हो जाती है। तो इसके लिए हमें काफ़ी रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसके लिए किसान भाई, जो बायोबीटा है इसमें ऐसे करीब पोषक तत्व होते हैं जो हमारी धान की फसल में, जो हमारी ज़मीन होती है उसमें अगर कोई भी खाद की डिफिशियंसी है, जिंक की कमी है, लोहे की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, माइक्रोन्यूट्रॉन की कमी है या कार्बन की कमी या प्रोटीन की कमी, तो उन सभी कमियों को ये पूरा करता है और हमारी धान की फसल की जो ग्रोथ होती है उसको मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है और हमारी जो जड़ें होती हैं उनकी रूट्स को काफ़ी ज़्यादा ये ग्रो करता है, जड़ें अंदर तक जाती हैं, जिस वजह से हमारा तना मजबूत होता है और हमारा धान एकदम हरा भरा, टेलरिंग बहुत ज़बरदस्त करता है और हमारी टेलरिंग होगी तो हमारी पैदावार भी बहुत ही अच्छी निकल करके आएगी। तो इसके लिए आप बायोबीटा का प्रयोग धान की फसल कम से कम एक बार अवश्य करिएगा दोस्तों, उससे जो आपकी पैदावार रहेगी किसान भाइयों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी जो पैदावार, अगर आप इस साल करते हैं बायोबीटा के प्रयोग, अगले साल जो आपकी पैदावार रहेगी पिछले साल से और इस साल का आप कंपेयर कर लें, आपकी पैदावार कम से कम 30-35% एक्स्ट्रा निकल कर आएगी, क्योंकि आज के समय में हमारी ज़मीन में खाद की डिफिशियंसी होती है। तो बात कर लेते हैं क्या इसकी सही डोज है, क्या इसका सही मात्रा है। काफ़ी बार किसान भाइयों को डाउट है कि क्या हम गवोज अवस्था में बायोबीटा का प्रयोग करें या फिर बाली निकलने के बाद, या हम पहली खाद में करें। तो मैं बताना चाहूँगा किसान भाई, अगर बायोबीटा का आप सही समय पर और सही डोज दे देते हो तो हमारी जो धान की फसल होता है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देता है, हमारी पैदावार बहुत ज़बरदस्त निकल करके आती है। जो उसका सही समय पीरियड होता है दोस्तों, धान की फसल जब आपकी 20-25 यानी कि 30 दिन, धान की फसल ध्यान रखिए किसान भाइयों, 20-25, 25-30, इन जो 10 दिन का गैप होता है, इन 10 दिन में आपको अवश्य बायोबीटा का प्रयोग कर देना है, क्योंकि ये ऐसा समय होता है हमारी जो वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है, हमारी धान की जो टेलरिंग हो रही होती है और हमारे रूट्स ग्रो कर रही होती हैं, हमारे रूट्स अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे, टेलरिंग होगी अच्छी और हमारा धान बढ़वार अच्छी तरीके से करेगा तो हमारी पैदावार भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आएगी। यानी कि 20-25, 25-30 इन 10 दिन के गैप में आपको बायोबीटा का प्रयोग अवश्य करना है। अब बात कर लेते हैं क्या इसकी सही डोज है और क्या इसकी प्राइस है। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो सही डोज है वो अपनी ज़मीन के हिसाब से, आपकी ज़मीन में क्या रिक्वायरमेंट है, कितना आपकी ज़मीन में लग रहा है। जो हम अपने एरिया की बात करें तो हमारे करीब 5-7 किलोग्राम में बायोबीटा का प्रयोग करता हूँ, तो आप भी 5-7 किलोग्राम अपनी ज़मीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपको लगता है आपकी ज़मीन हल्की है तो आप 7 किलोग्राम का करें, आपको लगता है कि आपकी ज़मीन ठीक ठाक है और तो आप 5 किलो का प्रयोग करो, आपको लगता है कि आपकी ज़मीन मीडियम है, ना ज़्यादा हल्की है ना ज़्यादा ख़राब है, तो आप 6 किलोग्राम बायोबीटा का प्रयोग करिएगा। ये जो डोज में आप करेंगे तो आपकी धान की फसल में रिजल्ट आप खुद ही देखिएगा किसान भाइयों, आप खुद कमेंट करके बताइए कि आपकी फसल में क्या रिजल्ट आया। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों की इसका प्राइस, मार्केट में इसका प्राइस थोड़ा अप डाउन रहता है, तो करीब आपका 700 से लेकर 1000 रुपये तक खर्चा होने वाला है, क्योंकि मार्केट में इसका यही प्राइस आता है। अगर आप 5-6 किलो या 7 किलो तक लाते हैं तो आपका 1000 रुपये के आसपास खर्चा होने वाला है, लेकिन आपकी जो धान की फसल होगी वो 1 एकड़ में आप एक बार बायोबीटा का प्रयोग कर देंगे तो उसका प्रयोग करने के आपको करीब 100 गुना फायदा होगा, क्योंकि अगर आपके 1 एकड़ में अगर आपका दर 3-4 क्विंटल भी बढ़ के निकल करके आती तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त फायदा हो जाएगा और इसके 100 गुना आपका मुनाफा हो जाएगा। तो इस तरीके से बायोबीटा का प्रयोग करिएगा और अपनी धान की फसल में आप खुद देखिए आपकी जो बालियाँ आएंगी वो चमकदार होंगी, वजनदार होंगी
और आपका खेत एकदम हरा भरा दिखाई देगा और उसमें जो किलो का फुटाव होगा आप किसान ये सच नहीं मानेंगे, बहुत ही जबरदस्त किलो का फुटाव होगा और अच्छी पैदावार निकल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाई। हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा।